वाकई में गूज बम्प खड़े कर दिए इस फिल्म ने। तो जी हम बात करें मैग्नी 96 जो हाल फिलहाल में रिलीज कर दिया गया, और इसे देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो जबरदस्त था, और आपका कैसे रहने वाला है वो सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू में बने रहना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यार इस फिल्म फिलहाल सीधे स्टोरी पे, स्टोरी फोकस करिए एक करेक्टर पे जिसका नाम है मैडी। मैडी ना चुपचाप भैया दूध पी के सो जाती है रात को, लेकिन रात को सोने के बाद उसे जो सपने आते हैं इतने खतरनाक धमाकेदार सपने आते हैं जिनमें काट पीट मार काट ये सब होता है उसके सपनों में। लेकिन जब वो हकीकत में उठती है तो हकीकत में उठने के बाद कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ये तो सच में भी हो रहा है। अब उस लड़की का ना उन लोगों से क्या कनेक्शन है जो मर रहे हैं, और उस लड़की का उन लोगों से क्या कनेक्शन है जो मार रहे हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखना होगा। जो इसके अंदर विर्चुअल किलिंग है उसके लिए तो मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि भैया 80+ के अंदर इस फिल्म को रखा गया है, तो आप परिवार के साथ तो ना देखें। अब बात करेंगे इसकी कहानी की, तो कहानी देखो भैया आपको तो पता है हॉलीवुड की कुछ इस प्रकार की कहानी बहुत और भी आ चुकी है, लेकिन इस कहानी की प्रेजेंटिंग और इस कहानी के जो सस्पेंस टर्न ट्विस्ट है वो काफी ज्यादा धमाकेदार थे। लेकिन वही बात करें स्क्रीन प्ले, तो स्क्रीन प्ले आपको ना फर्स्ट हाफ से बांध लेगा और पूरी तरीके से ऑडियंस भाई एंगेज रहने वाली है कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये सब में ही लगे रहने वाली है कि जो जो टर्न ट्विस्ट आते हैं ना वो काफी बेहतरीन थे। जिस हिसाब से इसका स्क्रीन प्ले का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी अच्छा खासा निकल के आया है। अब बात करेंगे इस फिल्म के जो एक्टर है उनकी परफॉर्मेंस कहती थी, भाई देखो सबकी परफॉर्मेंस हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन ठीक ठाक ही आप कह सकते हो। लेकिन वहीं इसका BGM वो भी अच्छा खासा है। लेकिन अब बात कर लें इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी काफी ठीक ठाक है। जिस हिसाब का इसका VFX सिनेमोग्राफी पर काम किया गया वो काफी अच्छा है। अब बात करते हैं ये फिल्म आप देखेंगे, तो सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ ये फिल्म 80+ में रखी गई, क्योंकि इसके अंदर जो वर्चुअल किलिंग दिखाई गई है और जो वायलेंस दिखाया गया उस सबको देखने के बाद तो आप अपने परिवार के साथ देखना इग्नोर ही करें। लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हो एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर भर भर के टर्न ट्विस्ट सस्पेंस और ऐसी विजुअल किलिंग दिखाई गई है, तो आप इस फिल्म को जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको इंप्रेस करने में भी कामयाब रहेगी अगर आप ऐसी एक स्लेशर फिल्म देखना चाहते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फिल्म थी उस ऑडियंस के लिए जो स्लेशर फिल्म की ज़्यादा ही दीवानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैंने तो भाई ये फिल्म देखने के बाद मेरे तो गूज़बम्प वाकई में खड़े हो गए थे। लेकिन आपके होते हैं या नहीं ये सब बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं मिलता हूँ यहाँ, और चैनल पर नए रहते हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में मैसेज आप जरूर लिखें। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।